आपको दिखाते हैं कि आखिरकार क्यों एक शख्स अपने बच्चों से मिलवाने की भीख मांग रहा है। दरअसल पूरा मामला रेवाड़ी का है। छत्तीसगढ़ के रहने वाला एक शख्स पिछले 10 दिनों से पुलिस के चक्कर काट रहा है। पुलिस वालों से वो दिन रात सिर्फ एक ही रट लगाए हुए हैं कि मेरे बच्चों को मेरी बीवी और साली से दिलवा दो। शख्स का आरोप है कि उसकी बीवी और साली उसके बच्चों को मरवा देगी। मैं बच्चों के बिना एक पल नहीं रह सकते सर, यह उनके फोटो सर, मेरे बच्चे, मेरे बीवी से मतलब नहीं, जो भी करे सर, जो भी करे, लेकिन मेरे बच्चे चाहिए बस। सुना आपने, आंखों में आंसू और हाथ में बच्चों की फोटो लेकर ये शख्स पिछले 10 दिनों से रेवाड़ी थाने के चक्कर काट रहा है। हर रोज वो पुलिस वालों से बस एक ही रट लगाता है कि सर मेरी बीवी से मेरे बच्चों को दिलवा दो, नहीं तो वो मेरे बच्चों को मार देगी। छत्तीसगढ़ के रहने वाले गुणवंत का आरोप है कि 7 साल पहले रेवाड़ी की एक लड़की से प्रेम विवाह उसने किया था। शादी के बाद यहाँ के एक प्राइवेट स्कूल में वो चपरासी की नौकरी करता था, लेकिन बीमारी की वजह से वो नौकरी हाथ से चली गई, जिसके बाद उसकी पत्नी अपनी बहन के साथ देह व्यापार के धंधे में उतर गई। जब उसने विरोध किया तो उसके साथ वो अपने एक साथी जो शराब का अवैध कारोबार करता है उसके साथ मिलकर मारपीट करती है। सर देखो, पिछले 7 साल से मैं रेवाड़ी में रह रहा हूँ। मैं एक निजी स्कूल में पहले प्यून का काम करता था, तो 3 महीना हो गया सर। अभी मेरा थोड़ा तबीयत खराब है ना, इस वजह से मैं काम पे नहीं गया जा सका। तो इसी बीच मेरे मिसेस है, वो वेश्यावृत्ति का काम पे लग गया। उसे घर पे कई आदमी का आना जाना लगा रहता है और मैं विरोध करता हूँ सर, तो मारपीट शुरू करता है। अपने गुंडा है एक दारू बेचने वाला शिवा पंडित, उससे भी धमकी दिलवाता है, तेरे वाड़ी में तू रहेगा नहीं, तेरा हाथ पर तोड़वा दूंगा, तेरे जान से मरवा दूंगा। गुणवंत की माने तो प्रताड़ना का दौर यहीं खत्म नहीं हुआ। उसकी पत्नी और साली उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहती है, नहीं तो जान से मरवाने की धमकी देती है। कुछ दिन पहले जब वो अपने घर गया था तब बीवी और साली बच्चों को लेकर लापता हो गई। घर से लौटने के बाद मकान में ताला लटका मिला। उसे शक है कि समय रहते उसके बच्चों को तलाश नहीं किया गया तो उनके बच्चों को मार दिया जाएगा। साली है मेरी छोटी पूनम, वो भी बोलता है तेरे जान से मार दूंगा, तेरे मरवा दूंगा। मेरे सास भी उसके साथ है सर, मेरे साली और मेरे मिसेस है, दोनों मिलके धंधा करते हैं और मेरे सास को भाड़ खिलाती है, वो पैसा भेजवाती है वहाँ, और वो भी बोलती है उसको छोड़ दे, मरवा दे, यहाँ पर तोड़वा दे और तू अपना काम कर ऐसे करके। वही पुलिस का कहना है कि गुणवंत की शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, उसकी बीवी और बच्चों को बुलाया गया है, उससे पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये गुणवंत ने हमारे को एप्लीकेशन दी है, ठीक है, और जिसमें जो फोन नंबर दिए गए हैं ना उस पर हमने संपर्क किया है। वो लोग सुबह ही आ जाएंगे, वो बच्चे भी और जिसके ऊपर आरोप लगाया है वो भी सुबह यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे पता लगेगा हमें भाई। सर ये बताया जा रहा है कि जिस जो व्यक्ति साथ लेकर गया था, जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है इस व्यक्ति को, घर में नहीं घुसने तक दिया जा रहा है, इसको बच्चों को साथ मिलने नहीं दिया जा रहा। इस तरह की बात करेंगे जब पता लगेगा ना, एप्लीकेशन में कोई भी कुछ भी आरोप लगा सकता है। हालांकि पुलिस मामले में कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या पुलिस पूछताछ के बाद गुणवंत को उसके बच्चों से मिलवा पाएगी। श्याम बाटला, टोटल न्यूज़, रेवाड़ी।